बोली श्री बाबा स्वामी महाराज की जय। बोली श्री बाबा स्वामी महाराज की जय। वंदनीय गुरु मैया की जय। आज नवी मुंबई एरोली में महाराष्ट्र समर्पण परिवार द्वारा भजन संध्या डायरो का कार्यक्रम आयोजित किया हुआ है और कहां कहां से साधक यहां पे भजन का आनंद लेने के लिए, गुरु महाराज के चैतन्य का आनंद लेने के लिए आए हुए हैं। और बड़े संयोग की बात है, ये जो हमारा आज जो कार्यक्रम होने जा रहा है, वह जगह जो इनके ऑनर है विजय चैगुले एमएलए है, और उन्होंने हमें यह पूरा ग्राउंड, यह जगह आज निशुल्क दी हुई है कार्यक्रम करने के लिए। और आकाश एंड चेतना मडवी कॉरपोरेट है यहाँ के, जिन्होंने यहाँ का सारी व्यवस्था, जनरेटर, लाइट और ग्राउंड में जो भी आप देख रहे हैं वो सब हमें मुफ्त में दिया हुआ है, उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो ज्योतिबेन वो यहाँ पे आए हुए हैं, अभी आए हैं क्या? अच्छा, वरना सबसे परिचय हम करवाते हैं। यदि चालू भजन में भी यहाँ पे आए हैं तो सबसे हम परिचय करवाना चाहते हैं। और आज बड़े संयोग की बात है, देखिए जब गुरु कृपा होती है हम सब पर तो कितना योग बनता है। हमारी भजन टीम और राम काका सब साथ में मिल रहे हैं। तीसरा आज मदर्स डे है, हाँ, और हम सबकी माँ कौन है? जिन्होंने हमारी आत्मा को जन्म दिया है, हाँ वही है। और चौथी बात, ये हमारा जो उस्ताद है विपुल प्रजापति, आज उसका जन्मदिन है, हाँ। और आज मदर्स डे है, इसीलिए मैं उस माँ को याद करना चाहता हूँ जिनकी छत्र छाया में हम सब एक एक सांस ले रहे हैं। और सांस का क्या महत्व है, सांस की क्या कीमत है, वो हमको 2 साल में पता चल गई कि सबसे ज्यादा कीमत सांस की है। जीना 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 ने उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। ओ रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का, माई तेरी चुनरिया लहराई। और हमको क्या एहसास हुआ, जब जब मुझ पे उठा सवाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना जीना उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। और हमारी माँ की चुनरिया का एहसास हमें 2 साल में हुआ है। साधक दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, पूरे विश्व का कैसा भी गंभीर और भयजनक वातावरण हो, जिसके हृदय में सदगुरु ने स्थान लिया है ना, उसके भीतर भय ने प्रवेश नहीं किया था, हाँ। वो सदैव अपने आप को लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता में महसूस करता था। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल अपने गुरु के सानिध्य को एहसास करता था, और ऐसे गुरु महाराज के सानिध्य में, जीवंत सानिध्य में हम और आप मिले हैं। आज का पूरा कार्यक्रम किसी उद्देश्य से नहीं रखा है,
ज्योति बहन, चेतना बहन, उन सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो भी निमित्त है, वो भी माध्यम है जिनके भीतर गुरुदेव ने प्रेरणा की है हम सबको साथ में मिलने की। और देखिए, किसी घोड़े को पकड़कर नदी तक लिया जा सकता है, किसी घोड़े को पकड़कर नदी के घाट तक ले जाया जा सकता है, फिर पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। हाँ, वैसे उन्होंने एक कार्यक्रम का आयोजन करके हम सबको यहाँ इकट्ठा तो कर दिया, पहुंचे सब है, लेकिन अब हम सबको इसमें शामिल होना है। पहुंचना अलग बात है और शामिल होना अलग बात है। जैसे काका ने भजन चालू करने से पहले कहा था ना कि आप सब इसमें जुड़िए, क्योंकि सामूहिकता में किया हुआ भजन, सामूहिकता में किया हुआ धुन, सामूहिकता में किया हुए आरती, सामूहिकता में किया हुआ ध्यान सदगुरु के चरण तक हमें पहुंचा देता है। जहां सामूहिक प्रयास होता है वहां सदगुरु की ऊर्जा हम सब अनुभव कर रहे हैं। और आज का कार्यक्रम किसी उद्देश्य का नहीं है, ठीक है कि हमारे महाराष्ट्र के लिए हम जो आश्रम का जमीन का आयोजन कर रहे हैं, आज जो भी हम सब सामूहिकता में इकट्ठा हुए हैं, जो भी भाव यहाँ क्रिएट होगा और उस भाव के कारण गुरुदेव की ऊर्जा हमें जो यहाँ प्राप्त होगी, उस ऊर्जा को हम सभी हम अपने घर जाएंगे तो उसे गवा देंगे, किसी विचारों में, किसी तरह से भी। इससे अच्छा है इस ऊर्जा का सदुपयोग किया जाए। आज इस भाव, यदि हमारे हृदय में आज के भजन के कारण कोई भाव जगता है और आपको कुछ भी अनुदान देने की इच्छा हो जाए, देखिए एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ, आज किसी अनुदान के लिए या किसी उद्देश्य के लिए आज का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया हुआ है, लेकिन यदि अपने भीतर भाव जगता है और हमें कुछ देने की इच्छा हो जाए, क्योंकि देना ही मोक्ष है, पाना ही जीवन है, यदि हमें कुछ देने की इच्छा हो जाए, ज्योति बहन ने मुझे पहले ही बताया कि आज किसी उद्देश्य से कार्यक्रम नहीं रखा है, यदि हमारे भीतर भाव जग जाए और हमें कुछ देने की इच्छा हो जाए, और जो कुछ भी यहाँ अनुदान आएगा आप यहाँ चिट्ठी में लिखकर भेज सकते हैं, आपको जो भी भाव जगे तो वह हमारे आश्रम के लिए ही दिया जाएगा। और मन लगे गुजराती समाज घणो बधो है, ऊंचो हाथ करो तो गुजरात ना होए। ओ हो भाई भाई 50% है, कच्छ ना केला कच्छ कच्छ। ओ हो भाई कहां मुंबई, और यहां हम सब इकट्ठा हुए हैं। और इस 2 साल जिसने गुरुदेव ने करुणा काल कहा है, उस करुणा काल में हर किसी के भीतर एक भाव जगा था। क्या जगा था? एक भजन के माध्यम से हम गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कुर्बान में उनकी बख्शिश को मुक्सद भी जुबा पे लाया नहीं, ए बिन मांगे इतना दिया कि दामन में हमारे समाया नहीं, इतना दिया है गुरुदेव ने हम
सबको के जितनी हमारी औकात नहीं, दिया है कि नहीं, इतना दिया है गुरुदेव ने हम सबको के जितनी हमारी औकात नहीं। ये तो रहम है मेरे गुरुदेव का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात नहीं। और ऐसे ही एक भजन में आप सब अपना भाव अर्पित कीजिए, अब सौंप दिया, ये भजन 2 साल में बहुत बार याद आया, अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया। अरे जी आप पाछड़ उभा ने पीछे खड़े सबको लास्ट में मुझे गरबा कराना है, मुझे याद है, हाँ सबको नचाना है, लेकिन एक दो बावले भजन भी ले लूं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। सब साथ में गाइए, तुम्हारे चरणों में और हार है तेरे चरणों में, अब सब साथ में गाइए, इस जीवन का सब बार तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय है बस ये कही एक बार तुम्हें अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, अब सो सब साथ में गाइए, इस जीवन का सब बार तुम्हारे चरणों में। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। Thank you.
सब साथ में गाइए। इस जीवन का सब बार तुम्हारे चरणों ही कृपा में मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि मेरे इस मनुष्य योनि का उद्देश्य मोक्ष है और हम सभी पवित्र आत्माएं आपको यही शुद्ध प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे इसी जीवन में इस मोक्ष रूपी मंजिल को प्राप्त करके ही रहेंगे। हे गुरुदेव, हमारे इस शुद्ध संकल्प को आपकी शक्ति मिले, आपके आशीर्वाद मिले, क्योंकि तेरा